अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारी अम्मा बनाने जा रही हैं चिकन बिरयानी। ये एक बहुत ही ऑथेंटिक और बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है। आप इस रेसिपी से इसे बनाएंगे तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया है। इस चिकन को हमने अच्छे से धो लिया था और इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक के साथ ही साथ हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 कटोरी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू का रस आप इसलिए भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि इससे चिकन में बिल्कुल स्मेल नहीं आती और चिकन बिल्कुल फ्रेश पकता है। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे एक पैन में हमने 200 मिलीलीटर रिफाइंड ऑयल डाला है। मिलीलीटर ऑयल में हम 250 ग्राम प्याज ऐड करेंगे। इस प्याज को हमने स्लाइस्ड काट लिया था। हम इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई ना हो जाए। देख सकते हैं प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। और प्याज के साथ इसे अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। और दही ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसे 5 से 6 मिनट तक चलाते चलाते भून लेंगे। जब तक चिकन भुन रहा है तब तक हम एक तरफ पानी चढ़ा देते हैं। आप इसमें चावल की क्वांटिटी के हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह समझिए कि अगर आप 1 किलो चावल ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें 8 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे चिकन में बहुत पानी छोड़ा है, अब इसे हम ढक के धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 10 मिनट के बाद ये बनके रेडी है। अब यहाँ पे हमने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं जिन्हें हमने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। अब इन चावलों को हम उबलते हुए पानी में ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से चला लेंगे। जब चावल में 1 कन्नी रह जाए तब हम इसे छान लेंगे। अब यहाँ पे हम भगोने में इसकी तह लगा लेंगे। इसके लिए पहले हमने एक चावल की लेयर लगाई है, अब हम इसके ऊपर से चिकन ऐड करेंगे और इसी प्रोसेस को हम तब तक रिपीट करेंगे जब तक ये हमारा सामान ख़त्म नहीं हो जाता। अब हम इसमें खुशबू का मसाला छिड़केंगे जिससे इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब यहाँ पे फूड कलर जिसे हमने केवड़ा वाटर में घोल लिया था, अब हम इसे इसके ऊपर से ऐड कर देंगे और एक भारी से लोहे के तवे के ऊपर रख के हम इसके ऊपर से कुछ वजन रखेंगे और फिर इसे पकने देंगे। हम इसे आधे घंटे तक दम लगाएंगे। अब आधे घंटे के बाद आप इसके ऊपर से वजन हटाइए और ये सर्व किए जाने के लिए अब रेडी है। आप देख सकते हैं एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है और ये बहुत ही ज्यादा खुशबूदार भी होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया।